In last lecture, we studied that Mendel observed seven different characters in a garden pea plant. For each character, he studied two opposing traits. So in all, he studied 14 opposing traits in a garden pea plant. First, he created true breeding pea line in a garden pea plant by continuous self-pollination of a particular plant. So in total, he created 14 different types of a true breeding pea line, each for a each trait. Using these 14 different types of a true breeding pea line, he performed various hybridization experiments. So now in next lectures, we will discuss Mendel's different hybridization experiments. We will start with a monohybrid cross. So first, we should understand what is meaning of monohybrid cross. In a hybridization experiment, if inheritance of a single character is considered at a given point of time, then such hybridization experiment is referred as a monohybrid cross. I repeat, in a hybridization experiment, if inheritance of a single character, only single character is considered for a given point of time, then such cross is called monohybrid cross. Agar isko simple language mein samjhe, तो उस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, जिसमें एक ही कैरेक्टर का जो इनहेरिटेंस है वो एक टाइम पे स्टडी किया जाता है, दूसरे कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस को उस टाइम पे इग्नोर किया जाता है। मानो कि हम स्टेम हाइट नाम के कैरेक्टर को गार्डन पी प्लांट में उसका इनहेरिटेंस स्टडी कर रहे हैं। जब हम स्टेम हाइट का इनहेरिटेंस स्टडी करते हैं तो दूसरे जैसे कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि सीड शेप हो गया, फ्लावर का कलर हो गया, उस कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस को हम इग्नोर करते हैं, उसका कोई भी ऑब्जर्वेशन हम नहीं कर रहे हैं। तो हम एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक टाइम पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं और उस टाइप के स्टडी को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जिस भी हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर का इनहेरिटेंस एक टाइम पे स्टडी होता है उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। Now plants which are hybridized in monohybrid cross are having opposite traits for a single character. Otherwise, for other characters they are having a uniform phenotype. इसका मतलब क्या होता है कि मानो आपने दो प्लांट के बीच में मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट किया, तो ये दोनों प्लांट होते हैं सिर्फ एक कैरेक्टर के दो अपोजिंग ट्रेट बताते हैं, बाकी के जो दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिए ये यूनिफॉर्म होते हैं। जैसे कि आपने एक टॉल प्लांट लिया और दूसरा प्लांट जो लिया वो ड्वार्फ प्लांट है। अब इन दोनों के बीच में आपने हाइब्रिडाइजेशन करके एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया। अब ये टॉल प्लांट है, ये जो कैरेक्टर है स्टेम हाइट उसका एक ट्रेट बताता है, जबकि जो ड्वार्फ प्लांट है वो स्टेम हाइट का दूसरा कैरेक्टर बताता है। ये दोनों प्लांट बाकी सारे कैरेक्टर के लिए आइडेंटिकल होते हैं। दोनों में सीड शेप मानो कि राउंड है तो राउंड ही होगा, दोनों में मानो कि जो पॉड कलर है वो ग्रीन होगा तो ग्रीन ही होगा, मानो कि दोनों प्लांट का जो फ्लावर पोजीशन है वो टर्मिनल है तो दोनों में टर्मिनल होगा। मतलब कि ये दोनों प्लांट है सिर्फ एक ही कैरेक्टर के दो अपोजिंग ट्रेट्स के लिए अपोजिट है, बाकी सारे कैरेक्टर्स इनमें कॉमन होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। चलिए हम समझते हैं कि मेंडल ने ऐसे मोनोहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैसे किए थे। तो हम यहाँ पे जो एग्जांपल आपके सामने रख रहे हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर, दैट कैरेक्टर स्टेम हाइट। अब आप जानते हैं कि इन स्टेम हाइट देर आर टू अपोजिंग ट्रेट, वन टाइप ऑफ स्टेम हाइट इज टॉल टाइप एंड अनदर टाइप ऑफ स्टेम हाइट इज अ ड्वार्फ टाइप। सो मेंडल फर्स्ट टुक two different true breeding pea line. One type of a pea plant was a true breeding tall plant, and one type of a pea plant was a true breeding dwarf plant. He crossed these two plants and initiated monohybrid experiment. So Mendel ne ek true breeding tall plant liya, uska hybridization kiya ek true breeding dwarf plant se, और ऐसे उन्होंने ये अपने मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया। अब यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्सिटी है, इस टाइप के पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, मतलब कि आपने एक प्लांट का पोलन ग्रेन यूज़ किया और उस
का यूज़ करके दूसरे प्लांट के पिस्टिल को आपने पॉलिनेट किया, तो उस टाइप के पॉलिनेशन को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, जो पी होता है वो फैबेसी फैमिली को बिलोंग करता है और फैबेसी फैमिली के फ्लावर्स आप जानते हैं कि बायसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि एक ही प्लांट में एंड्रोशियम भी होता है और एक ही प्लांट में गायनोशियम भी होता है। अब अगर बायसेक्सुअल फ्लावर है प्लांट में तो पूरा चांसेस है कि प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, और अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन करना बहुत मुश्किल होगा, या तो क्रॉस पॉलिनेशन के प्रॉपर रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं। मैं रिपीट करता हूँ कि जो पी प्लांट होता है वो बायसेक्सुअल फ्लावर पजेस करता है। अगर ये बायसेक्सुअल फ्लावर पजेस करता है तो पूरा चांसेस है कि दो प्लांट के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन होने से पहले ही सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है। अगर ये सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है तो क्रॉस पॉलिनेशन के प्रॉपर रिजल्ट्स आएंगे नहीं, मतलब कि आप जिस प्लांट को भी एज अ फीमेल प्लांट यूज़ कर रहे हो उसमें आपको सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करना है। जिस प्लांट को आप फीमेल प्लांट यूज़ कर रहे हो उसमें आपको क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना है, और इस क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने इन शॉर्ट आपको जो फीमेल प्लांट है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन प्रिवेंट करना है। अब क्रॉस पॉलिनेशन प्रिवेंट करने के लिए एक मेथड होती है, इसको इमेस्क्यूलेशन कहते हैं, जो मेंडल ने यूज़ किया था। व्हाट ही डिड, ही फर्स्ट टुक अ इमैच्योर फ्लावर ऑफ अ ड्वार्फ प्लांट। फ्लावर इज स्टिल इमेच्योर, मीन्स इट कैन नॉट अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन। ही फर्स्ट केयरफुली रिमूव्ड एंथर्स फ्रॉम अ फ्लावर विदाउट डैमेजिंग अदर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। देन ही कवर पिस्टिल दैट इज गायनोशियम बाय अ बैग। नाउ ही केप्ट मैच्योरेशन ऑफ अ गायनोशियम कवर्ड विद इन द बैग। Once that flower become mature, he removed the bag and then kept open that pistil or a gynoecium. Now he took pollen grains from a pea plant, that is a tall plant which is considered here as a male plant, and then artificially pollinate that dwarf pistil using the pollens of a tall plant. By this emasculation method, he was able to prevent self-pollination in a dwarf pea plant. तो मैं आपको ये method बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए, इसको emasculation कहते हैं। क्योंकि जो पी होता है वो bisexual flower possess करता है, अगर ये bisexual flower possess करता है तो female plant जो भी आप ले रहे हो उसमें self-pollination होने के पूरे पूरे chances है। तो आप मेल टॉल प्लांट का पोलन फीमेल के जो पिस्टिल है उसमें पॉलिनेट करें, उससे पहले ही अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन के प्रॉपर रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं। तो इस क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए मेंडल ने एक इमेस्क्यूलेशन मेथड यूज़ की थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ड्वार्फ प्लांट लिया, ड्वार्फ प्लांट जो था उसके इमेच्योर फ्लावर में से केयरफुली एंथर्स को रिमूव कर दिया, बाद में उन्होंने गायनेशियम को मतलब को पिस्टिल को बेग से ढक दिया जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। जब उसका फ्लावर मैच्योर हो गया, ड्वार्फ फीमेल प्लांट का फ्लावर मैच्योर हो गया, तो उन्होंने उसमें से अपना बेग था कवर करने के लिए रखा था उसको निकाल दिया। अब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन के कोई चांसेस नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले ही एंथर्स को रिमूव कर दिया था। अब उन्होंने जिस प्लांट को मेल प्लांट लिया था, जो टॉल प्लांट था, उसका पोलन लिया, आर्टिफिशियली पोलन को लिया और बाद में उस पोलन को लेके पिस्टिल पे डस्ट किया, इसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पोलिनेशन। तो इन शॉर्ट, बाय यूजिंग पोलन ग्रेन्स ऑफ अ टॉल प्लांट ही फर्टिलाइज्ड गायनोशियम ऑफ अ ड्वार्फ प्लांट। बाय डूइंग दिस ही क्रॉस्ड अ टॉल पी प्लांट ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट विथ अ ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट। After this fertilization, whatever seeds were gained, these seeds were then sown and he got first generation, that is the F1 generation, first progeny generation or a filial 1
जनरेशन। तो ये टॉल प्लांट और ड्वार प्लांट के बीच में जो भी फर्टिलाइजेशन हुआ, तो उन्होंने पोलन ग्रेन लिया था टॉल प्लांट का और गायनोशियम यूज किया था ड्वार प्लांट का। इसके बीच में उन्होंने क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया, क्रॉस पोलिनेशन किया, और जो भी उनको सीड्स मिले उसको जब ग्रो किया तो जो जनरेशन मिली उस जनरेशन को उन्होंने F1 जनरेशन नाम दिया। अब F1 जनरेशन के प्लांट में उन्होंने सेल्फ पोलिनेशन किया और जो जनरेशन मिली उसको उन्होंने F2 जनरेशन कहा। F1 जनरेशन में इमेस्कुलेशन करने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन ही करवाना था, तो ही डिड नॉट परफॉर्म इमेस्कुलेशन इन F1 प्लांट्स। तो F1 प्लांट में सेल्फ पोलिनेशन करने के बाद उनको मिला था F2 जनरेशन। In next section, we will study what were the results of monohybrid cross for a stem height in a Mendel's experiment. तो हम देखेंगे next section में कि Mendel ने जब monohybrid cross किया था stem height के लिए तो उसको किस type के results मिले थे F1 और F2 generation में।